परसों हम पैसे निकलवाने लगे थे जमन शाह से, लेकिन पैसे नहीं निकल सके थे, एटीएम में कोई मसला था। अभी मैं जा रहा हूँ कोर्ट सुल्तान, सुबह सुबह का टाइम है, वहाँ असल में अलाइड बैंक है। एक मिनट बेटा, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये कहते हैं मुझे पहले गाड़ी में बिठाओ। आ जाओ। अच्छा, आ जाओ। अभी मैंने सोचा था कोर्ट सुल्तान जाके अलाइड बैंक से ही निकलवा लेता हूँ पैसे। जहरान ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था, इसको चले थोड़े से सैर भी करवा लेते हैं। और बेगम ने कहा मुझे साथ लेते जाओ, आइसक्रीम वगैरह कुछ हमें भी खिला देना। असल में पेमेंट कुछ मैंने वनडे की पेमेंट करनी है, हम उठाते रहते हैं ना यहाँ से चौक से वंडा अपने गाय भैंसों के लिए, उसका 20-25 हजार उसका हुआ खड़ा है, और भी एक दो पेमेंट करनी है, तो वो फिर मैंने कहा उन सबको दे दें। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जरान आज आपने तेल कुछ ज्यादा नहीं लगाया हुआ है? अगर आपके हाथ है तेल वाले तो फिर आपने गाड़ी को हाथ नहीं लगाने। चलो कम अज कम चादर कार के बैठी कर। जी पापा, पापा जब से गाड़ी का काम करवाया ना, अब इसको तेज चलाने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है बस 20-25 पे चलाऊं इसको। ये परफ्यूम मेरी खांदा पे क्या? नहीं खांदा। रखो नीचे। वैसे इंदी स्मेल चंगी है, हालांकि बहुत पुरानी कंपनी। कमली इंदी स्मेल नहीं होंदी, इंदी खुशबू होंदी है, यानी इंदी फ्रेग्रेंस होंदी है। फ्रेग्रेंस? वाह वाह। तो कोई प्रेग्नेंट नहीं बोली। कोर्ट सुल्तान शहर में हम पहुंच गए हैं। अलाइड बैंक के पास हुए, ई साइड ते या ई साइड ते? ई नहीं हो सी ई पास है। खावणी की छेद है, खावणी चरगा। चरगा बस वही गाल है, किसे रे कमाल परले आते बैंक हो सी दे दिया हमें। मैं जरूर आजकल बहुत तंग करता है, या तो कहता है गाड़ी का मुझे शीशा खोल दो, मैं बाहर सर निकाल के बाहर देखता रहूं, या फिर बस फुल तंग किया होता है इसने फुल। ए अलाइड बैंक समझ आई ना? मेरा चूंकि बैंक अलाइड बैंक है ना, मेरे पास एटीएम कार्ड अलाइड बैंक है, इसलिए मेरी कोशिश होती है अलाइड बैंक से ही निकलूँ ताकि जो एटीएम वाला टैक्स है वो बच जाए। और यहाँ से 25,000 मेरी लिमिट है, 25,000 निकल आता है, और बैंक से निकलवाऊँ तो 20,000 निकलते हैं। जरूर क्या खाओगे रुपये बार हुआ मैं भी दस दस की जगह सो बेगम, और अपने लिए तो यहाँ से ले लेता हूँ दो कुल्फा आइसक्रीम ये वाले, एक लॉलीपॉप देना यहाँ से छोटा निकालें, छोटा आपके लिए एक सलांटी, और इसमें है एक यार ही कीना लॉलीपॉप है, ये पूरा रास्ता फंसी है एक नु पहले के आइसक्रीम में घुल वन ये अपनी पकड़। व्यूअर जरूर नाम है ये आइसक्रीम खाने दे रहे हैं, और अपना इसने सारा ये जो है ना सलांटी वाला शापर इसने चीर फाड़ कर डाली है, ये देखें सारी गिर गई है इधर नीचे और इधर उधर सारी। अब इसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, तेन एक तो लॉलीपॉप ही नहीं खुलता, मैं नहीं खुलता। चुप। व्योलाज इसका 100 वाला टेस्ट मारते हैं जैसे वेला मुंडा मारता है, मतलब सौ तक कितनी जल्दी पहुंचती है। वैसे ना वेला मुंडा गलत करता है, उसको पहले गाड़ी रोकनी चाहिए बिल्कुल जब जीरो पे आ जाए स्पीड, उसके बाद रेस देनी चाहिए। चलती गाड़ी तो वैसे ही जल्दी पिक पकड़ जाती है, आगे आ रही है रेडी, ये गुजर जाए फिर इसको स्पीड पकड़ाते हैं। असल में स्पीड इसलिए पकड़वा रहा हूँ, इसका लॉलीपॉप खत्म होने वाला है और अभी तक घर नहीं आया। चल भाई तू इतनी डरे क्यों है? नहीं मैं तो ये समझ नहीं, इतनी ज्यादा स्पीड है जरूर डिठे ही माल कर। ऐसा लगता है व्यूअर सारा दिन यार ये मुझे ढूंढता है बस, ये जहाँ भी हो ना। अभी मैं नहा के बाहर आया हूँ, पता नहीं इसने कहाँ से मेरी आवाज़ सुनी है, पीछे फौरन अभी देख लो ये मेरे ऊपर है, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं जाओ बेटा, बाहर जाकर खेलो, चलो जाओ जाओ बाहर जाओ। शाबाश शाबाश, पहली दफा बात मानी है, एक लगाई है फिर मानी है, बात टुराना ही दे ना। नो नो सालन केड़ी चीज है? कद्दू गोश्त गीना मेरे वास्ते। और का टाइम रखा है ना 5 बजे का फिक्स, उसका मतलब ये है कि जो जो आप लोग 150-200 बंदा देखते हैं ना मेरी वीडियो डेली, तो वो 5 बजे जैसे मैं अपलोड करूँ उसी वक्त देख लिया करो। इससे फायदा ये होगा कि जब शुरू वाले 4-5 मिनट के अंदर ही जैसे मेरा व्लॉग अपलोड होगा 100-200 व्यूज आ जाएंगे, तो यूट्यूब ये समझेगा कि ये वीडियो शायद बहुत अच्छी है, इसको फिर चैनल ग्रो करता है, इसलिए तो मैंने टाइम फिक्स किया है 5 बजे का। और आप लोगों को भी बताया कि 5 बजे ही मेरा व्लॉग आया करेगा, जिस दिन भी आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं तो 5 बजे। तो आप लोग कोशिश किया करें मतलब उसी वक्त पहले 2-4 मिनट्स के अंदर ही व्लॉग देख लिया करें।
ये देखें, ये मेरी जेब से कितना सामान निकलता है। ये अब सारा भारी भरे जेब में डालूंगा, ये पहनूंगा, पैसे जेब में, ये चाबियां भी जेब में, ये चाबी भी जेब में, ये बटवा भी जेब में, मोबाइल भी जेब में, टोपी भी पहन लूँगा। अभी मैं खाना खा लूँ। मैं थोड़ा सा ना आज परेशान था, पता नहीं किस चीज़ की परेशानी थी, लेकिन अभी मैं काफ़ी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि बेगम तैयार हुई खड़ी है मैं के जाने के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो आपको पता है फिर शादीशुदा बंदा इस बात को समझ सकता है कितनी खुशी की बात है। व्यूअर्स, खाना आपने में से किसी ने खाना है? अगर खाना है तो टाइम पर खाया करें, ये कोई टाइम नहीं है 4:45 बजे। समझ आ गई है ना आप लोगों को? टाइम पर खाना अपना खा लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, आज तो बहुत पार्टी आई बैठी है। क्या हाल है जवेद? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है इब्राहिम? क्या हाल है तेरा? फिट हैं? खैर खैरियत है? इस्लामाबाद जो आ गए लगा करें वैसे इतवार। अशरफ तेरा क्या हाल है? अच्छा, इतवार तक मतलब इतना ही है। चलो ठीक है। ये देखें, ये मेरे चाचू लोगों का बिल है, देख लें कितना बिल आए हुए। प्लेटें बिल गई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उनको ना समझ नहीं आ रहा था बिल का। थोड़ी में समझ आ गई है। फॉरन जो प्लेटों की बिजली है वो ये 111 यूनिट, बैठ 191 यूनिट, ऑफ पीक टाइम जरा तुम गिद्ध है वाप डाकू, ये तुम 111 यूनिट दिते। इन्हें पीक टाइम में तुम कोई बिजली को नहीं दीती वाप डाकू, तो गिद्धी है 1164 टोटल, ये नेट यूनिट 180 ऑफ पीक था, 1164 पीक टाइम था। इन्हें जमा करे सोचा ये थोड़ा टोटल यूनिट सड़न, तो ये थोड़ा टोटल बिल है, टोटल बिल तो यूनिट को तकसीम करे सोचा फी यूनिट का रेट आवे सी कि हूँ जरा बिल ज़्यादा आया पे। ये हूँ तुम पूछो कहीं को भी सारी प्लेटों की बिजली तो बनती है ज़्यादा, सिर्फ 111 यूनिट किए गए इतना, कम अज कम हाँ 3000 यूनिट तो नफी थी होना चाहिए, मतलब 100 यूनिट तुम जो डेली दस आज प्लेटा बने 3000 यूनिट होना चाहिए। समझ लगी है ना? बेगम ने सारा सामान तो पैक कर रखा हुआ है, लेकिन मैं तक आज मोटरसाइकिल देने मैंने लिया था, मगरब के बाद अंधारे जुल क्यों? हैं क्यों? क्योंकि मैं लाखन लगा वैसे ना कि करते। अभी मैंने वनडे की पेमेंट करनी है, वो भी मैं कर लूँ और जरूर को सैर भी करा लूँ। तुम्हारे बिल का मसला नहीं मुका। अच्छा, अरे मिस्त्री और त्या ओ आज तेरी पेमेंट में चाहिए था मंडे वाली अगे पैसे कढ़ा ना इधर लाग मैंने आज स्पेशल कढ़ा या मैं के पहले ही को क्लियर करूं पीछे कितने थे वजन? 6 गट्टू अगे हैं मुंडे 3400 दे हिसाब ना तू हूं पूछा उन्हें पैसे भी नाल बना वो कितने दे वो रेट है। मैं आ गया हूँ चाचू के डेयरी फार्म पे, ये देखें इनकी माशाल्लाह बकरियाँ चेक करें कितनी ज्यादा बकरे हैं, वो परली तरफ भी फुल छेड़ है इधर भी हैं। ये हरनियन ये हरनी है नहीं ये इतना कमल है मैं कौन ही ये टेढ़ी बकरी है। हाँ वो देखें सामने सामने चाचू खड़े हुए हैं वो देखें, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना है चाचू का डॉग, तो डॉगी जो है ना वो यहाँ पे आया हुआ है वो मैंने आप लोगों को दिखाना है। कुत्ता बद्दा पे इन्हों जुलो केड़ी जाते बद्दा पे, ये देखें जी मुर्गियाँ भी आज इन्होंने निकाली हुई हैं, तो यहाँ बकरियाँ ना खा वजन मुर्गियों को ये उड़ता रहे लगे ये कौन है देखें ख्याल करें। ओए व्यूअर्स चेक करो यार डॉगी, तू इधर आ खड़ा कुछ नहीं आता, जरी कहाँ थी मैंने जरी पीछा थी खड़ी जरूर देखें कितना बड़ा डॉगी है आपके जितना, तो इसका मुंह है सिर्फ, बहुत हैवी कुत्ता है व्यूअर्स। वैसे कैमरा में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत हैवी डॉग है, बहुत हैवी। ओए होए 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 एक खोल जरी की में टुरा मैं को पकड़न देसी अच्छा ना ना नेड़े ना कर वो मर रहे नेड़े ना कर देखा जरूर। ओए होए 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 बहुत बड़ी डहने भाई एक कुत्ते दे नेड़े के ना ने में कहीं कुत्ते कोई देख किदा ना यूनुस क्या हाल है पहली बार यूनुस उठा मान खड़ा यूनुस तक कुछ नहीं आता तू इन थी से हिक्का बोटी हैं जरूर ये कौन है हेला कौन है तो तू वहां जा तेरा कौन ही रजीका फुल डरी हुई है रजीका तू वैसे बहुत डरती है ना डर पू के मेरी गल को ओ क्यों क्यों चिरकी निकली है ना अच्छा इन अखी में लगता है ही नहीं कौन है ये ना अंदर बढ़िया हुई है मेरे जो घर का फ्रंट है ना जैसे ये साइड है ये देखे और जैसे ये साइड है ये मैंने इसको सेट करना है जैसे वेले मुंडे का घर का फ्रंट ऐसे ना बड़ा VIP ग्रासी प्लाट और यहाँ पे भी मैंने ग्रासी प्लाट्स बनवाने हैं खुद मेहनत करके प्लाट साफ कर दूँ फिर यहाँ पे मिट्टी का थोड़ा सा भरा करवा के उसके बाद ग्रासी प्लाट लगवाएंगे और उससे पहले हमें मोटर भी लगवानी पड़ेगी सोलर वाली
क्योंकि ये जो जगह है ना ये सारी रेतली जगह है बहुत ज्यादा, यहाँ पे टिब्बा था पहले, तो पानी शानी जो है ना ये वाली मोटर जो लगी हुई बिजली वाली ये पूरा नहीं कर सकती। खिड़ा एक गुजरेगी फिर आई टूरा बल के तुम्हें कर एक महीने अम्मी गुजरती है जी। तो लू तो नहीं हो खराब की थी हूँ सुख दी तो पी नहीं हट गंद कटदा ना जी दो चार दिनों के अंदर अंदर डेली थोड़ा थोड़ा काम करके इन प्लाटों की कम से कम सफाई करवा लेनी है, उसके बाद फिर ले आऊंगा मोटर और उसके बाद ग्रास कहीं से ले आएंगे और भी पौधे शोधे जो यहाँ पे लगाएंगे। चलो तो पूछाऊंगा मोटरसाइकिल से व्यूअर्स, देखो रात को भी मुझे काला चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास वाइट वाला चश्मा है ही नहीं। हाँ जरूर एक बिला आई था गो। चलो बाय बाय करो व्यूअर्स सबको, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय करो, कर दो खुद कर दो आज खुद कर दो। हाँ शाबाश। जरान को नानी घर, जरान के नानी घर पहुँचने से पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि नींद आ जाएगी क्योंकि बाइक पे मज़ा ही इतना आता है, रात को ठंडी ठंडी हवा लगती है बस। ओके भले हाल जरान को उसके नानी घर छोड़ दिया है और मैं खुद अपने नानी घर आ गया हूँ। यहाँ एक जो है ना वो इस बात का मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है ना वो ये कि यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ने को मिलती है। हमारे उधर कोई मस्जिद है नहीं, मस्जिद है भी सही तो वहाँ जमात नहीं होती और ना ही ज्यादा नमाजी होते। यहाँ माशाल्लाह 5-6 घर हैं और सारे नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज यहाँ पे होती है। यानी वो आज रात इंशाल्लाह यहीं रहूँगा, कल इंशाल्लाह घर वापसी करूँगा। आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।